गाड़ी यहीं रोको। अगर मैं सच में चला गया तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। रुको जरा, सबर करो। हाँ आसान तो है पर तुम्हें बेवकूफ बनाना। खतरे और मजे में फर्क तो तुम नहीं जानते, इसीलिए तो तुम मुझसे लड़ने आ गए। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ये क्या चक्कर है? अपना हाथ यहाँ लाओ। अरे लाओ ना। नहीं। हम दोनों अगर चाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। अरे बाबू शर्माओ मत, ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये क्या कर रहे हो? रेना! ओ, ये सही मौका है। कहाँ चला गया ये? सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। ये है अनंत काल। बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? तू फाड़ में जा। चलो जल्दी बताओ वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। खैर खत्म तो करना ही है। फ्लावर्स। ये शापित शक्ति है। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था क्योंकि मैंने एजीजी को धमकाया था। आजकल के नौजवान इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। हाँ तो कर दो शिकायत, वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? इन्होंने मुझसे बात की। कंट्रोल। तो कल रात मुझ पर दो अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। अब आप अपने हाथ पार कर रहे हैं गोजो। ओ, मैं तो डर गया। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ दो घंटे बाद आने वाले हैं। फिर मिलते हैं। अगर जल्दी भागकर जाऊँ तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फिर मिलते हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। मुक्के लाना पड़ेगा मेरे आगे। क्या बात करनी थी? हाँ, पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है।